दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त कब आएगी। जी हां दोस्तों, कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। किसानों को कब मिलेंगे 2000 रुपए आठवीं किस्त के। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देश के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार की ओर से होली का उपहार मिलने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आठवीं किस्त का भुगतान होली से पहले करने की योजना बनाई जा रही है। मोदी सरकार त्योहार से पहले पीएम किसान लाभार्थियों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त के रूप में 2000 रुपए भेजने को तैयार कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्रीय योजना है, इसके लिए 100% फील्डिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपए की आर्थिक मदद 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। राज्य सरकार उन किसान परिवारों की पहचान करती है जो इस योजना के तहत आर्थिक मदद पाने के लिए योग्य हैं। लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि का हस्तांतरण किया जाता है। दोस्तों हालांकि अभी तक जिन किसान यानी जिन लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड यानी रजिस्टर नहीं कराया है, वह इस माह के अंत तक यानी 31 मार्च से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर ले। ऐसा करने पर उन्हें सरकार की ओर से 4000 रुपए मिल सकते हैं। यदि उनका आवेदन स्वीकार्य हो जाता है तो होली के बाद पहली किस्त 2000 रुपए की मिलेगी और दूसरी किस्त अप्रैल या मई में मिल जाएगी 2000 रुपए की। इसी तरह से उन्हें 4000 रुपए की किस्त मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्टर्ड हैं तो आपको होली पर 2000 रुपए की आठवीं किस्त मिलेगी। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करा लें, यानी होली के बाद आपको 4000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।